जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, तानसेन ने अपनी तीनों सोल रिंग्स को जैसे ही अब्जॉर्ब किया ही था कि तभी उस पर क्यानरैक्ष्वे ने उस पर अटैक कर दिया था, जिससे तानसेन बच गया था और फिर एक सेफ जगह पर आ गया था। और तभी वहां पर क्यानरैक्ष्वे भी आ गई थी, जो तानसेन के साथ फेयर फाइट करना चाहती थी। इसलिए उसे पता था कि तानसेन की सोल पावर बैकरेश से अभी डैमेज है, इसलिए वो तानसेन के साथ फेयर फाइट करने के लिए उसे सिर्फ वेपन्स के साथ फाइट करने का ऑफर देती है। ये सुनकर तानसेन सोचता है, सिर्फ वेपन्स से फाइटिंग, ये सच में मेरे लिए फायदेमंद है। फिर सोचता है कि क्यानरैक्ष्वे एडवांटेज में है, पर फिर भी ये इस तरह की शर्त का सुझाव दे रही है। क्या ये सच में फेयर होने की कोशिश कर रही है या उसके पास अपने हिडन एजेंडा है? अब तानसेन के एक्सप्रेशन देखकर क्यानरैक्ष्वे बोलती है, तुम चिंता मत करो, अगर मुझे तुम्हें मारना ही होता तो मैंने अब तक इंतजार ना करना था, मैं कब का तुमको मार चुकी होती। जो सुनकर तानसेन सोचता है, बात तो सही है, जब मैं अपनी सोल रिंग्स को एब्जॉर्ब कर रहा था तब उसने मेरे ऊपर अटैक नहीं किया था, ये साबित करता है कि मैं उस पर भरोसा कर सकता हूँ। ऐसा लगता है कि आज हमारी असली लड़ाई होगी। ये सब सोचकर ही तानसेन वेपन्स के साथ फाइट करने की डील को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर अब ये दोनों सीरियसली फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं और अपने ऑरा को रिलीज करते हैं। और तभी तानसेन का ट्राइडेंट वाइब्रेट करने लगता है, जो देखकर तानसेन कहता है, मेरे इस ट्राइडेंट में गॉड ऑफ ओशियन की सोल का एक हिस्सा है, जो कि क्यानरैक्ष्वे के वेपन को देखकर अलग ही रिएक्ट कर रहा है। तानसेन को यहाँ कुछ भी समझ नहीं आता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। वही दूसरी तरफ क्यानरैक्ष्वे प्रे करती है, एंजल मुझे अपनी ताकत दिखाओ, और फिर फाइट शुरू होती है, जिसमें सबसे पहले क्यानरैक्ष्वे तानसेन पर अटैक करती है। तानसेन उसके अटैक से बच जाता है और फिर अपने सी गॉड ट्राइडेंट से उस पर अटैक करने लगता है, और इसी तरह से इन दोनों के बीच फेयर फाइट होनी शुरू हो जाती है। और इसी दौरान तानसेन सोचता है, गॉड ऑफ ओशन का ट्राइडेंट वजनदार और बहुत पावरफुल है, लेकिन क्यानरैक्ष्वे के हाथ में जो वेपन है वो स्वॉर्ड इसके लिए एक सूटेबल है, क्या ये संभव है कि वो भी एक मैजिकल वेपन है? तभी क्यानरैक्ष्वे तानसेन पर अटैक करती है, जिसे तानसेन अपने सी गॉड ट्राइडेंट से रोक लेता है और कहता है, मैं बिल्कुल सही था, इसने ऑलरेडी मेरी तरह ही गॉड बनने की जर्नी को शुरू कर दिया है। तानसेन ये सभी सोच ही रहा होता है कि तभी क्यानरैक्ष्वे को एंजल गॉड एक विजन दिखाती है, जिसमें हर तरफ तबाही का मंजर होता है और आवाज आती है, एक गॉड बनने से पहले उस सक्सेसर को गॉड की मेमोरीज को साथ लेकर चलना पड़ता है, और फिर क्यानरैक्ष्वे सी गॉड और एंजल गॉड को एक साथ दिखाया जाता है, जो साथ मिलकर एक जायंट मॉन्स्टर को हराते हैं और उस विलेज को प्रोटेक्ट करते हैं, जिन्हें देखकर क्यानरैक्ष्वे कहती है, क्या वो पर्सन गॉड ऑफ द ओशियन है, जिसके साथ ही गॉड ऑफ ओशियन यहाँ हुई डिस्ट्रक्शन को अपनी गॉड लाइट से बिल्कुल ठीक कर देते हैं और पूरी जगह को हरी भरी बना देते हैं। जो देखकर एंजल गॉड बोलती है, तुम और मैं दोनों ही पावरफुल ग्रैंड सोल लैंड मास्टर्स हैं, लेकिन हम अभी भी सभी प्रॉब्लम्स को दूर नहीं कर सकते हैं, सोल मास्टर्स की पावर अभी भी बहुत कमजोर है। जो सुनकर सी गॉड कहते हैं, तुम अभी भी पहले की तरह एम्बिशियस हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि दुनिया बहुत बड़ी है, तुम्हारे लिए सब कुछ नियंत्रण में है, तुम्हें इसका जितना हो सके लाभ उठाने के लिए बस वही करो जो तुम कर सकते हो। इसके साथ ही सी गॉड वहां मौजूद एक इंजर्ड बंदे को ठीक करते हैं और एंजल गॉड बोलती है, अगर मैं स्ट्रांग हूँ तो मैं इन सभी चीजों को कंट्रोल कर सकती हूँ। इसके साथ ही एंजल गॉड सी गॉड से कहती है, क्या तुमने कभी सोचा है कि एक सोल मास्टर की ट्रेनिंग का एंड पॉइंट क्या होता है? अगर हम इंसानियत की लिमिट को तोड़ सके तो हम एक सर्वशक्तिमान इमॉर्टल गॉड बन सकते हैं। जो सुनकर सी गॉड कहते हैं, आखिर गॉड बनना तो एक मिथ है, लेकिन टॉप पर पहुंचने का तुम्हारा डिटर्मिनेशन बुरा नहीं है, अगर तुम एक गॉड बनकर इस वर्ल्ड को और भी बेटर बनाना चाहती हो तो मैं इसे एक मौका देने के लिए तैयार हूँ। यहाँ से गॉड के कहने का मतलब ये है कि एंजल गॉड को उसे हरा कर ये साबित करना होगा कि वो एक गॉड बनने के लायक है। ये सुनकर एंजल गॉड गुस्से में कहती है, मैं कभी भी तुमसे नहीं हारूंगी और मैं तुम्हें हरा कर ये साबित कर दूंगी कि
मेरे पास इस वर्ल्ड को बदलने की ताकत है। जो कहने के साथ ही एंजल गॉड सी गॉड पर अटैक कर देती है और इसी तरह एंजल गॉड और सी गॉड के सक्सेसर इसी सीन को एक बार फिर से दोहरा रहे होते हैं। और अब कियान रैक्षवे और तांगसेन के बीच गॉड लेवल की खतरनाक फाइट होनी शुरू हो जाती है और इसी के साथ आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और आज का सवाल, एंजल गॉड ज्यादा खूबसूरत है या कियान रैक्षवे, कमेंट में जरूर बताना।